अब बात करेंगे फोर्थ प्रोसेस जो है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और पी वी रिलेशन देखें, अगर पी वी टी रिलेशन, पी वी टी रिलेशंस, सो पी टू अपॉन पी वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू गामा, ये क्या हो गया आपका पी वी रिलेशन, ठीक है। इसी में हम निकालेंगे व्हाट विल बी पी टी रिलेशन एंड वी टी रिलेशन, पी टी एंड वी टी रिलेशन भी निकालेंगे, वी टी रिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं ये पी टी रिलेशन कैसे निकलेगा फॉर दिस एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हमारे को पता है कि फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी, या फिर पी वन अपॉन पी वन वी वन अपॉन टी वन विल बी पी टू वी टू अपॉन टी टू। यहाँ से टेम्परेचर नीचे ले गए तो ये कॉन्स्टेंट बचा, तो ये आपकी ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करा मैंने, पी टू अपॉन पी वन की वैल्यू निकाली वी वन अपॉन वी टू इंटू टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। अभी जो पी टू अपॉन पी वन की जो वैल्यू निकाली है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, तो मेरे को क्या टी और वी में रिलेशन मिलेगा। सो टी और वी लिख लेते हैं, पहले टी वी रिलेशन देख लेते हैं, टी और वी में रिलेशन मिलेगा। और ये रिलेशन जब आप इसको पुट करोगे तो मेरे को याद है, डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन। और ये रिलेशंस जो भी हैं आपके पी वी टी रिलेशन, ये पी वी रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये टी वी रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब मैं डिराइव करूँगा, टी वी हो गया, अब पी टी, पी टी रिलेशन, पी टी रिलेशन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, ये है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन, ये है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। अब डिराइव करेंगे प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप, आपको चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर में, तो आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम का ही जो है, आप यहाँ से V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो गई, T1 अपॉन T2 इंटू P2 अपॉन P1, ठीक है। अब ये जो V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकाली है ये आपको पुट कर देनी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, T1 अपॉन T2 विल बी P1 अपॉन P2 गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये बनता है आपका पी टी रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। ये तीनों रिलेशन हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसको याद करना ज़रूरी है। अब देखते हैं पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम अगेन हम एक्सपेंशन के लिए बनाएंगे, पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़े या फिर प्रेशर घटे, तो स्टेट वन ये हो गई, स्टेट टू ये हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे वर्क डन, वर्क डन हमारे को पता है एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो एरिया होगा ये वर्क डन देगा, बट एरिया वर्क डन हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इस शेप के लिए, क्योंकि ये कोई इररेगुलर टाइप की शेप है तो रेगुलर, ये शेप आई कहाँ से है, ये आई है आपकी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, ठीक है। इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आपका कर्व बनेगा, ठीक है। अब वर्क डन के लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे, वर्क डन, वर्क डन हमारे को पता है इंटीग्रेशन पी टी वी होता है, वर्क डन वन टू टू, ठीक है। हमारे को पता है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, प्रेशर क्या हो गया कॉन्स्टेंट अपॉन वी की पावर गामा, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे
डी वी अपॉन वी की पावर गामा 1 to 2, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट बाहर लिख दिया मैंने। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये क्या हो गई, वी की पावर माइनस गामा हो जाएगी कांस्टेंट पावर, तो वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। सो वर्क डन 1 to 2 विल बी गामा अपॉन, ये मैंने कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, माइनस गामा प्लस 1 बाहर ले लिया, वॉल्यूम में लिमिट्स पुट करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा वी टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस वी 1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। लिमिट्स पुट करने के बाद आपका ये आ गया। अब इसके बाद जो कांस्टेंट है, ठीक है, अब कांस्टेंट हमारे को पता है पी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हो गया, पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा इक्वल टू पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, यही तो हो गया इसका मतलब। तो अब इस कांस्टेंट की जगह, अब इस कांस्टेंट को मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँगा, अब जो वी टू है तो वी टू के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाए आपका, अब इसको समझो, वी टू की पावर माइनस गामा प्लस 1 है और यहाँ पे वी टू की पावर गामा है, तो माइनस गामा से माइनस गामा कट जाएगा, क्या बनेगा, पी टू वी टू। अब इस सी का जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो सी का फॉर्मूला मैं ये वाला रखूँगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रखूँगा। सिमिलरली वी की पावर गामा है इधर और इधर वी की पावर वी वन की पावर माइनस गामा प्लस 1 है, तो माइनस गामा से गामा कट जाएगा, खाली वी वन बचेगा, पी वन वी वन बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो पी वन वी वन डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको लिख लो 1 माइनस गामा, माइनस गामा प्लस 1 को लिख लो 1 माइनस गामा। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, डेराइव हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको और मॉडिफाई करेंगे, हमारा काम है कि एक फॉर्मूला डेराइव हो जाए, अब उसको मॉडिफाई करें ताकि क्वेश्चंस में, जैसे आपको पी टू वी टू की जगह कोई टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम नहीं दे रखे, टेम्परेचर दे रखा है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो हम इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला डेराइव करेंगे अब, ठीक है। अब हमारे को पता है पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी होता है, तो पी टू वी टू क्या हो गया एम आर टी टू, और पी वन वी वन क्या हो गया एम आर टी वन। हमने वर्क डन का फॉर्मूला डेराइव करा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन 1 माइनस गामा, पी टू वी टू की जगह मैं रख दूंगा एम आर टी टू माइनस पी वन वी वन की जगह रख दूंगा एम आर टी वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। अब इसमें आर कॉमन ले लिया, एम टी टू माइनस एम टी वन, ठीक है, ये हो गया, और इसमें डिवाइडेड बाय माइनस 1, माइनस इसमें से भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा गामा माइनस 1, ठीक है, आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। अब ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि आर अपॉन गामा माइनस 1 क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है आपका सी वी, ठीक है, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है आपका सी पी, ठीक है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, आपने पढ़ा था, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी इक्वल्स टू गामा पढ़ा था। इन दोनों रिलेशन को जब आप यूज़ करोगे और फिर सी पी को एलिमिनेट करोगे तो आपको आर गामा और सी वी में ये रिलेशन मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप सी वी को एलिमिनेट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका आर अपॉन गामा माइनस 1 को आप लिख दो सी वी, सी वी माइनस 1 को इधर ले लो, एडजस्ट करेंगे तो एम टी 1 माइनस एम टी 2, ठीक है, क्या बन गया एम सी वी टी 1 माइनस टी 2। ये हो गया वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम क्यू हीट ट्रांसफ़र को निकालेंगे। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब डेल्टा यू का फिक्स्ड फॉर्मूला है एम सी वी डेल्टा टी मींस एम सी वी टी टू माइनस टी 1, ठीक है, तो एम सी वी टी टू माइनस टी 1 प्लस डब्लू का क्या फॉर्मूला है एम सी वी टी 1 माइनस टी 2, ठीक है। अब ये कट जाएंगे आपस में क्योंकि ये टी टू माइनस टी 1 है, ये टी 1 माइनस टी 2 है, तो हीट ट्रांसफ़र क्या आ गया 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो आपका हीट इंट्रैक्शन होता है वो 0 होता है, ठीक है।
नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिखूंगा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, अगेन चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच विल बी एम सी पी डेल्टा टी, ये आपका यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आपका प्रोसेस है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, लास्ट प्रोसेस है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो इंडेक्स है पी वी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पी वी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो पी वी टी रिलेशन में अगर लिखता हूँ, पी वी टी रिलेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन की पावर एन, ये हो गया आपका पी वी रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन, ये हो गया आपका टीपी रिलेशन, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू की पावर एन माइनस वन, ये हो गया आपका टीवी रिलेशन, टीवी रिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये सिमिलरली आप डिराइव कर सकते हैं, अभी मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस में डिराइव करे थे, बट एडियाबेटिक प्रोसेस में बस यहाँ पे एन की जगह गामा आ रहा था, सेम फॉर्मूले हैं उसमें गामा आता है इधर एन आता है। ठीक है, बाकी आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके सेम है। इसी में समझ लेते हैं पी वी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम, पी वी डायग्राम, पी V, आपका यही कर्व बनेगा क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर M। ठीक है, कुछ कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ही बनेगा। ठीक है, बस ये इंडेक्स की वजह से जो स्लोप है वो घट जाएगा। ठीक है, और एरिया अंडर दिस कर्व क्या देगा, अगेन वर्क डन देगा। तो अब हम क्या डिराइव करेंगे, वर्क डन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो बात करते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन वन टू टू पी डी वी। ठीक है, उस केस में आपने रखा था पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी की पावर गामा एडियाबेटिक के लिए, यहाँ पे रखोगे पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी की पावर एन, क्योंकि यहाँ पे है पी इंटू वी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। ठीक है, सो इसको आप जब यहाँ पे पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सिमिलरली सेम फॉर्मूला आ जाएगा P1 अप माइनस P2 V2 अपॉन एन माइनस वन, उसमें क्या आ रहा था गामा माइनस वन, इसमें बस आएगा एन माइनस वन। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल्स टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, सेम फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, तो सारे प्रोसेस के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। हीट ट्रांसफ़र, अब नोट डाउन करने की ये ज़रूरत है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र जीरो आ रहा था, बट इसमें आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो जीरो नहीं आएगा। इसमें देखते क्या आता है, क्यू वन टू टू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू वन टू टू, डेल्टा यू है आपका एम सी वी टी टू माइनस टी वन, वर्क डन का भी मैंने फॉर्मूला डिराइव करा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, सी वी को लिख लिया मैंने एम अपॉन आर, सी वी को लिख लिया आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, अब एम आर टी टू को लिखा मैंने पी टू वी टू माइनस एम आर टी वन को लिखा पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन
इंटू वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा था वो यही है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र का ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक का मतलब है कि एन की जगह, जैसे आप एडियाबेटिक में क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू गामा होता है। ठीक है, एन इक्वल्स टू गामा होता है। अब गामा रखोगे तो गामा माइनस वन गामा जीरो हो गया, तो हीट ट्रांसफ़र क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं हीट ट्रांसफ़र फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो। फिर फॉर्मूला किसका लिखते हैं हम, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच एम सी पी डेल्टा टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडियाबेटिक प्रोसेस एंड द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।